हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है विकास पीयू। तो आज मैं जा रहा हूं दोस्त संगाड़ के मंदिर, हमारे ईस्ट के, जैसे कि नौलिंग देवता है हमारे ईस्ट। मैंने आपको बताया था कि वो मूल नारायण जी के बेटे हैं, हमारे ईस्ट हैं श्री श्री 1008 नौलिंग देवता। तो आज मैं संगाड़ के मंदिर जा रहा हूं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मंदिर का नज़ारा और कैसे क्या हम लोग करते हैं और कितना प्यारा ये मंदिर है। आपको डिजिटली मिलवाऊंगा, दर्शन करवाऊंगा भगवान से। तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए और व्यू देखिए मेरे पीछे का, क्या अलग ही व्यू है। और मतलब नज़ारा अलग है, रास्ते अलग हैं, मतलब एक मज़ा ही कुछ और है दर्शन का। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बिकॉज बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ वैसे ही दूर हो जाती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, इसी तरह मैं आगे आपको मंदिर के दर्शन करवाऊँ। तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा संगाड़ मंदिर और ये है मेरे साथ हिप हॉप स्टार दिव्या, दीपिका पंत। तो अब हम एंटर कर रहे हैं मंदिर में। पहले हम हाथ पैर धोएंगे, सारी परिक्रमा वगैरह करेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे एंट्री। और अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं, पहले वही करते हैं और फिर उसके बाद ही करेंगे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, फिर बाद में आपसे पूरा मंदिर का टूर करवाऊंगा। पहले हम पूजा पाठ वगैरह अपनी सारी कर ले। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं नदी की ओर और अभी हम हाथ पैर धोएंगे, फिर मंदिर में एंटर करेंगे। और आपको मैं अभी नदी का भी दिखाता हूँ, कितनी प्यारी नदी है यहाँ पे। और वैसे जब नवरात्रि वगैरह होती है, यहाँ पे पूजा पाठ होती है या कुछ भी होता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नहाते भी हैं। ये बहुत देखो, खुला मैदान है, जगह इतनी प्यारी है, आप पूछो मत दोस्तों, आप देख सकते हो। दोस्तों, ये है यहाँ पे जहाँ पर हम हाथ पैर मुंह धोते हैं और फिर मंदिर में एंटर करते हैं। देखो कितना प्यारा नज़ारा है। और मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत फिसलन हो रही थी और दो तीन बार तो मैं फिसलते फिसलते बच भी गया, मतलब इतना वो रह गया एक्चुअली बारिश की वजह से। और ये पानी का बहाव देखो दोस्तों, इतना तेज़ है, इतना तेज पूछो मत। ये देखो दोस्तों, और ये मेरी भाभी, ये मेरे भैया, ये दीदी और ये नैतिक। नैतिक उधर मत जाओ, इधर रहो, तुम इधर रहो, ऊपर आ जाओ। ये देखो, यहाँ पर हम लोग हाथ पैर धोएंगे और आप ये व्यू देख सकते हो दोस्तों, कितना प्यारा है। ये मेरे भैया वहाँ पे, और ये देखो नज़ारा। और ये हमारी हिप हॉप स्टार और यहाँ पे भाभी, जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ ट्रैवल कर रही है। ये देखो दोस्तों, ये पुल भी है। तो ये है दोस्तों संगाड़ मंदिर के एक्सटीरियर व्यू। ये देखो बाहर से कितना प्यारा नज़ारा है, नीचे पे नदी है और यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं। और ये मेरे भैया, दीदी, भाभी सब जाते हुए ऊपर को। अभी हमने हाथ पैर धो दिए, अब हम मंदिर में अंदर एंटर करेंगे। ये देखो क्या जगह है दोस्तों, इतनी खूबसूरत, शांति, सुकून। और ये है दोस्तों हमारे प्यारे से संगाड़ मंदिर का एक्सटीरियर। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर से, पहले मैं आपको बाहर से एक व्यू दिखा दूँ। ये है हमारा संगाड़ मंदिर, ये है ध्यूनी, यहाँ पे घंटी वगैरह रखी है, वहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये देखो बहुत ही प्यारा। और ये है दोस्तों इसका एंट्रेंस, यहाँ पे नैतिक जी एकदम खुश मिजाज, एकदम मस्ती करते हुए। और ये है हमारी हिप हॉप स्टार दिव्या, जो अपना चेहरा क्यों छुपा रही है मुझे नहीं पता, और ये पकड़ी गई यहाँ पर। और ये दोस्तों यहाँ पर बैठ के कीर्तन भजन जो भी कर सकते हैं आप, अगर कथा है वगैरह अपना सामान लेके यहाँ पे बैठ के एक तरीके से भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं यहाँ बैठ के। और यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो, मतलब बहुत अच्छी जगह है। और ये है, ये है यहाँ का मंदिर संगाड़ का, हमारे इष्ट देवता नौलिंग। ये
है दोस्तों, हमारा प्यारा सा सनगढ़ का मंदिर हमने पूजा पाठ कर लिया है, और अंदर का मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज यहाँ पे अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है और अच्छा भी नहीं होता है। और जैसा कि आप जानते हो देवभूमि है, और मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि जो चीज़ मना है तो मना है, हमें फॉलो करना चाहिए। ये है श्री 1008 नौलिंग देवता है नमः। ये देखते हैं दोस्तों बाहर से एक्सटीरियर व्यू, और यहाँ पर ये कक्ष बनाए रखे हैं, और ये जो ट्रस्ट समिति है इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर है दोस्तों जब ये है ज्योनी से विभूति सूख जाएगी ना, यहाँ से विभूति वगैरह आप ले सकते हो जिसको चाहिए। यहाँ पे और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि जो हमारे नॉलिंग देवता ईस्ट है, ये जो संगाड़ गांव में जो है एक संगड़िया राक्षस रहता था, उसका वध किया था उन्होंने, तब उनको यहाँ पर ये जगह में यहाँ पे इनका मंदिर बनाया, और उनको ये जगह पसंद थी। जो मूल नारायण जी उनके पिताजी, उन्होंने उनको ये उनका यहीं पर मन था, और यहीं पर वो यहाँ पर बस गए अच्छे से, और यही उनका मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ यहाँ पर। और बहुत मान्यता है दोस्तों, बहुत साक्षात ईस्ट हैं यहाँ के। और यहाँ पर नवरात्रियों में मेला लगता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, आप देखोगे ना आप, जिसको अगर कोई आता है उस समय तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ एक बार वो मेले में ज़रूर आए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह रखते हैं, बहुत ही प्यारा मज़ा आता है। तो जो यहाँ पर आ सकता है तो ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए मेले को, मज़ा ही अलग है। यहाँ पर सुकून है दोस्तों, जो मस्त चीज़ है, जो मज़ा है यही मिलेगा आपको। और यहाँ पे ये हमारी भाभी खड़ी है।